और कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। गांधी मैदान में पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान सचिन पायलट ने बंसल न्यूज से बातचीत की। पायलट ने कहा, यात्रा जनता की आवाज उठाने के लिए निकाली गई है। सचिन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता हमारे साथ है और यात्रा में जनता का अपार समर्थन भी मिला है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा अपने अंतिम दौर पे है और तमाम जो बड़े नेता है वो न्याय यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली गई, 125 किलोमीटर की यात्रा जो है वो आज रायपुर यात्रा निकाली है जनता की आवाज उठाने के लिए। सरकार बिल्कुल नाकाम रही है हिंसा को कंट्रोल करने में। दलित, गरीब, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग आज परेशान हैं और सरकार की नींद खोलने के लिए हमने यात्रा निकाली है। इस यात्रा का क्या बेहतर रिस्पांस जो है जनता तक पहुंचा? पब्लिक साथ आई है हम लोगों के और हम विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार की नींद खोलना चाहते हैं और सरकार को मजबूरन अपना काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया, वो कह रहे हैं कि 5 साल सरकार थी कांग्रेस की तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है, क्योंकि सरकार बनने के बाद जो घमंड और आक्रमण की राजनीति हो रही है उसमें विराम लगाना पड़ेगा और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम भाजपा करती है। पब्लिक हमारे साथ है और यात्रा में बहुत अपार जन समर्थन हमको मिला है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और जिस तरह से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का अंतिम दौर चल रहा है, सचिन पायलट भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि 125 किलोमीटर का सफर तय कर राजधानी रायपुर न्याय यात्रा पहुंची हुई है और इस न्याय यात्रा में तमाम जो बड़े लोग, जो बड़े नेता है वो शामिल हो रहे हैं और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर।